दोस्तों, हमारी टाटा सफारी फेसलिफ्ट की पहली सर्विसिंग हो चुकी है, तो एक बार गाड़ी को अच्छे से देख लेते। गाड़ी चेक करते समय जैसे ही मैंने फ्रंट को ड्राइवर सीट का दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि तो दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ अपनी टाटा सफारी फेसलिफ्ट की फर्स्ट सर्विस के लिए। फर्स्ट सर्विस होती है 1500 और 2000 किलोमीटर के बीच में, या फिर गाड़ी लेने के 2 महीने बाद। तो देखते हैं मेरा सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहता है। दोस्तों, एक ज़रूरी बात, जब भी आप अपनी गाड़ी को शोरूम में सर्विस के लिए लेके जाते हो तो आपको शोरूम के प्रेमाइसेस में गाड़ी का एक चारों तरफ से वीडियो बना लेना है। आपको वीडियो इसलिए बना लेना है क्योंकि जब आप गाड़ी की डिलीवरी लेंगे सर्विस होने के बाद, अगर आपको गाड़ी पे कोई स्क्रैचेस या डेंट्स या कुछ मार्क्स दिखे तो उसके बाद आप शोरूम वालों के साथ कर सकते हो, क्योंकि विदाउट प्रूफ तो ये कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे ही नहीं। वैसे तो फर्स्ट सर्विसिंग में ज़्यादा कुछ गाड़ी का काम होता नहीं है, 1-1.5 घंटा बहुत हो जाता है उसके लिए। हमें गांव में छोटे मोटे काम थे तो हम गाड़ी शोरूम में छोड़कर निकल लिए। हमें कॉल आया कि सर आपकी गाड़ी रेडी है। आ गए हम फिर से शोरूम में, तो हम गए रिसेप्शन पे और उनसे पूछा गाड़ी किधर है। तो रिसेप्शनिस्ट बोला, सर आप पहले पेमेंट कर दो, उसके बाद ही आप गाड़ी देख सकते हो। वो बहुत जल्दबाजी कर रहा था, सर आप पेमेंट कर दो, अभी लंच ब्रेक होने वाला है और आप बिना काम के यहाँ पे अटक जाओगे। मैंने कहा, हम पहले गाड़ी देखेंगे उसके बाद ही अगली प्रोसेस करेंगे। जैसे तैसे उसको तैयार करना पड़ा। गाड़ी शोरूम के बाहर खड़ी थी। गाड़ी चेक करते समय जैसे ही मैंने फ्रंट को ड्राइवर सीट का दरवाजा खोला तो मैंने देखा कि गाड़ी का दरवाजा और साइड स्टेप एक दूसरे को टच कर रहे थे। हम फिर से गाड़ी शोरूम में लेके गए। टेक्नीशियन बोला कि सर गाड़ी घिसी नहीं है, बल्कि जब हम गाड़ी को रैंप पर उठाते हैं उस समय ये हुआ है, हम उसको फिक्स कर देंगे। ये देखो गाइज मेरी नई सफारी का उन्होंने क्या हाल किया है, मतलब क्या ही बोले, आप ही देख लो। चलो तो अभी ड्राइवर साइड का डोर चेक कर लेता हूँ, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो गाड़ी का सेफ्टी स्टैंडर्ड होता है ना दोस्तों, वैसे ही सर्विस स्टैंडर्ड होना चाहिए ताकि कस्टमर वो भी कंपेयर कर सके। आफ्टर सेल्स सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये तो मेरा फर्स्ट सर्विस है, इसमें ज्यादा कुछ तो होता नहीं है, इसमें ही मेरा ये हाल है, तो सोचो मेजर सर्विस में क्या। ये भी ठीक है, दरवाजा घासुरा है, पहले ना उतरना दे। ये आ गए उनके टेक्निकल हेड गाड़ी को चेक करने। ये तो बोल रहे थे कि सर हमने उधर नीचे कुछ काम ही नहीं किया, तो हमने बोला ये तो पहले ऐसा नहीं था, ये देख लो वीडियो में। उसके बाद वो बोले ठीक है सर, हम आपका प्रॉब्लम फिक्स करते हैं। ये सब देखने के बाद हम गाड़ी को फिर से अच्छे से चेक करने लगे कि गाड़ी पे कोई स्क्रैचेस या फिर कोई डेंट्स तो नहीं। तो आप देख सकते हो कि गाड़ी की वॉशिंग भी अच्छे से नहीं हुई, इतने सारे दाग वैसे के वैसे ही है। मुझे तो लगता है बस पानी मार के धूप में खड़ी की थी।
शोरूम के बाहर 200 रुपए में इससे कई बेहतर गाड़ी वॉश करके मिलेंगी। ये मार्क्स टेप के हैं जो फिल्म इंस्टॉलेशन के टाइम पे लगाया था, ये भी नहीं निकाल पाए। डोर गार्ड का रबर ये भी नहीं निकाल पाए। गाड़ी तो एक नंबर है भाई, ये सेगमेंट में वो भी डीजे। ये जो कंपनी सेफ्टी रेटिंग देते हैं, उन्होंने सर्विस रेटिंग भी देना चालू कर देना चाहिए। शोरूम में हम गाड़ी लेके जाते हैं प्रॉब्लम फिक्स करने के लिए, पर ये तो प्रॉब्लम्स बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो अभी साइड स्टेप और डोर का प्रॉब्लम फिक्स हो गया है, देखते हैं। डोर और साइड स्टेप एक दूसरे को टच तो नहीं हो रहे अभी, पर फिर भी थोड़ा ऊपर ही है। हमारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का हैंग का इश्यू था जो इन्होंने अपडेट करके फिक्स कर दिया। मेरे ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करें तो मैंने तो आपको दिखा दिया, अभी आप ही सोच लो। अगर आप VW स्कोडा टोयोटा से टाटा में स्विच कर रहे हो तो आपको सर्विस में काफी सारी दिक्कत आएंगी। ऐसा नहीं है कि टाटा में सर्विस अच्छी नहीं होती, पर इनके पीछे भागना पड़ता है दोस्तों। जो लोग VW स्कोडा टोयोटा में गाड़ी की सर्विस करते हैं वो भी इंडियन है, और टाटा में भी इंडियन लोग ही आपके गाड़ी की सर्विस करेंगे। मुझे लगता है टाटा को अपने एम्प्लॉइज को प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए, क्योंकि इतनी प्रीमियम गाड़ी को ऐसे हैंडल करेंगे तो कैसे चलेगा। अगर मैं गाड़ी बिना चेक किए घर ले आता और फिर मुझे दरवाजे और साइड स्टेप का प्रॉब्लम दिखता, मैं 100% श्योर हूं कि ये बोलते कि सर हमने तो उधर काम ही नहीं किया, ये हमारी गलती नहीं है। वॉशिंग भी कैसे किया ये तो मैंने आपको दिखा दिया। सर्विस के लिए मैं इनको 5 में से 3 ही स्टार दूंगा, क्योंकि स्टाफ काफी फ्रेंडली था, पर मेरे साइड स्टेप बेंड करने के लिए मैं थोड़ा डिसपॉइंट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं जाने वाला हूँ पूना सिटी में अपनी सफारी को सिरेमिक कोटिंग करने के लिए, तो मिलते हैं दोस्तों। दोस्तों आप ये पेड़ देख रहे हो, मेरे अंदाज से ये 200 से भी ज्यादा साल पुराना है। मेरे घर से टाटा शोरूम 60 किलोमीटर दूर है, तो इसका एवरेज भी आप देख सकते हो। अगर मेरे ये वीडियो आपको यूजफुल लगा तो आपके दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।